अभी हम जा रहे हैं यहाँ फिश पाउंड में। अंथवाल जी ने यहाँ पर ये इनका एक मजड़ी रिसोर्ट नाम से है और यहाँ पर इन्होंने कई काम किए हैं और उसमें से एक है फिश पाउंड है, उसको भी देखने जा रहे हैं हम। तो काम बहुत सारे यहाँ पर इन्होंने उसमें लेमन ग्रास ऑयल भी निकालते हैं और जो ये तेज पत्ता है तेज पत्ता प्रोसेस करते हैं, गुलाब जल बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें एक साथ बनाते हैं। तो मैं आपको अभी जा रहा हूँ इनके फिश पाउंड में दिखाने के लिए। तो ये देखो ये नहर भी यहाँ पर साथ में, सबसे बड़ी चीज़ है पानी का होना, पानी यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में। देखो यहाँ पर फूल है और ये और यहाँ पर पहुँच चुके हैं हम इनके गार्डन में। यहाँ तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ओ माय गॉड। यहाँ पर ये तेज पत्ता की भरपूर खेती यहाँ पर, भाई साहब गजब। ये सारा तेज पत्ता है, ये देखो ये पूरा तेज पत्ता। और यहाँ पर ये है बड़ी इलायची, बड़ी इलायची भी शायद प्रोसेस कर दी है, निकाल दी होगी, लेकिन यहाँ पर देखो कितनी बड़ी इलायची है। देखो पूरा गार्डन है उसका, बड़ी इलायची का। और ये बड़ी इलायची निकाल दी होगी तो ये बच्चे हैं इसके, वो इसके अंदर यहाँ पर लगती बड़ी इलायची नीचे, कहीं अगर होगी तो मैं दिखाऊंगा आपको। यहाँ पर देखिए तेज पत्ता है, साथ में ये बड़ी इलायची है और उसके ऊपर है शायद फिश पाउंड। कहाँ जाऊँ मैं, यहाँ जाता हूँ। ओ भाई साहब यहाँ पर है फिश पाउंड और ये देखो इलायची, बड़ी इलायची खेती बहुत ज़्यादा है, कम नहीं है ये, वो दूर तक पता नहीं कहाँ कहाँ तक फैली हुई है। और यहाँ भी साइड में देखो यहाँ भी पूरी बड़ी इलायची, ये देखो यहाँ पर देख रहे हो कितना ठंड लग रही है भाई साहब, कितना ठंडा होगा रुका हुआ पानी। वही तो, यहाँ देखो ये कितने कितने मतलब ख़त्म ही नहीं हो रहा है, बहुत बड़ा है और बिल्कुल इनको अच्छा मेंटेन किया गया। देखो वो आगे तक बहुत दूर तक है बगीचा में है, ये फिश पाउंड या मछलियाँ पाली गई इसमें। भाई जी इसमें मछलियाँ भी क्या, मर गई है, ठंड ज़्यादा ख़राब है और क्योंकि ठंड से काम खराब हो गया तो मछली नीचे नदी उस पर मरी भी दिख रही है, मरी दिख रही है पानी के अंदर, वो वाइट वाइट मच्छर दिख रही है मरी। तो ये देखो, वो देखो, अच्छा वो देखो मरी भी दिख रही है, हाँ छोटे देखिए, ठीक 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 मच्छर मरी भी। तो यहाँ से ज्यादा ठंड से आगे तक ये मर गई है, छोटी छोटी बीज देखो उधर दिख रही है, बहुत दिख रही है काफी। तो ये बीज था, इसमें बीज शायद खराब हो गया, मर गया किसी कारण से ठंड से, यह पता नहीं क्या चीज़ है, इसके लिए शोध करना पड़ेगा कि हुआ ऐसा क्यों। तो लेकिन एक ही जगह पे बहुत सारे काम है, रिजॉर्ट भी है तो ये तेज पत्ता भी है, तेज पत्ता का जंगल देखो लगाए गए पेड़ है, ये मेहनत आदमी की, और साथ में बड़ी इलायची भी है, तो ये फिश पाउंड भी है और आगे चल के है एक आगे चल के रोज़ गार्डन। रोज़ गार्डन कहीं दूर है शायद, भाई जी रोज़ गार्डन किस तरफ है, वो काफी आगे है। और यहाँ देखो सुंदर नदी बीच में, हाँ और ये बहुत सारा सुंदर, देखो
जमीन से प्रेम, जमीन से प्रेम। ओ भाई साहब हो गए थे अभी धड़ाम, भाई साहब धड़ाम हो गए थे आप अभी। यहाँ भी बड़ी इलायची है, यहाँ भी बड़ी इलायची है, और यहाँ भी तेज पत्ता, देखो ये तेज पत्ता यहाँ भी है, देखो ये देखो, और ये बड़ी इलायची खेती इधर भी है, हर जगह फैली है चारों तरफ। भाई साहब ने बहुत मेहनत वाला काम किया है, लोग खेती किसानी से दूर भाग रहे हैं, नए बच्चे करना नहीं चाहते, और भाई साहब देखो यहाँ तेज पत्ता कोई सोचता भी नहीं है कि इसकी खेती हो सकती है या करनी चाहिए। और बड़ी इलायची ये देखो, कोई नहीं सोचता कि बाढ़ में बड़ी इलायची होगी, लेकिन यहाँ पर बहुत खेत है, वो पाली तरफ भी है चारों तरफ, और इनको ये पाले से बचाने के लिए ऊपर से कवर किया गया है ताकि थोड़ा पाले का असर कम हो, क्योंकि सर्दी बहुत है, ठंड बहुत ही यहाँ पर बहुत होती है। और सामने एक सुंदर गाँव है, नाम नहीं पता गाँव का, यहाँ चढ़ाई चढ़ के और यहाँ पर कहीं यहाँ है लेमन ग्रास, ये है लेमन ग्रास, ये बहुत बड़े एरिया में है, छोटी जगह दिखा रहा हूँ आपको, लेकिन लेमन ग्रास है। अगर आपके पास जमीन है और कुछ काम नहीं कर सकते या आप उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं कर पा रहे हो तो लेमन घास लगा दो, इसकी पत्तियाँ बिकती हैं, इसका तेल बिकता है, और इसका कई चीज़ों काम आता है लेमन घास। अभी हम नीचे जा रहे हैं ग्रीन हाउस पे, ग्रीन हाउस और पोली हाउस समझ लो, पोली हाउस तो नहीं है क्योंकि ग्रीन हाउस ही है पर उस तरह का। अब इसमें क्या 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 प्रोसेस करते हैं, कैसे होता है, मैं दिखाता हूँ। जितनी हर्बल आइटम होती है ना जी, जितने हर्बल जैसे ग्रीन टी हो गया जी, ग्रीन टी तेज पत्ता हो गया जी, जैसे ऑर्गेनिक हल्दी होती है हाँ जी, अदरक होता है हाँ जी, हल्दी अगर इसको तुम धूप में सुखाते हो तो उसका कलर जो है ना ब्लैक आ जाता है। ओ आ जाता है। अच्छा, और अगर आप इसीलिए मेरी हल्दी का ब्लैक आया। हाँ, इसमें अगर आप सुखाते हैं ना यहाँ देखो, तो ये इसमें अगर हम इसमें ग्रीन हाउस का मतलब ये है जिसमें जितने हम ऑर्गेनिक चीजें बनाते हैं हाँ जी, जैसा लेमन ग्रास हो गया, तेज पत्ता हो गया, मिंट हो गया, अच्छा, और पुदीना हो गया, ये चीजें जो है ना वो क्या कहते हैं, बिच्छू घास हो गया, अच्छा, उसको अगर हम धूप में सुखाते हैं तो उसका जो मिनरल होता है वो खत्म हो जाता है धूप से। अच्छा, और इसमें सुखाने से क्या है, उसका मिनरल भी होता है और सूख भी जाता है। अच्छा, जैसे हल्दी है, हल्दी अगर आप उसको धूप में सुखाते हो तो उसका कलर जो है ना चेंज हो जाता है, काला हो जाता है। हाँ, ठीक बोला। और अगर आप ग्रीन हाउस में उसको सुखाते हैं तो वो जो उसका रियल जो कलर होता है, उसका पीलापन होता है, वो एजिटेड रहता है। अच्छा, ये इस काम की, जैसे ये हमने वो बनाए, बड़ी बनाई हमने ये, अच्छा ये किस चीज बड़ी है, ये भुजेले की बड़ी है, भुजेले की बड़ी है, मतलब हाँ ठीक है। तो ये जो बड़ी है, तो इस बड़ी को अगर तुम धूप में सुखाओगे तो ये काली हो जाएगी। अच्छा, कलर चेंज हो जाता है, डार्क हो जाता है, और इसमें जो है तो एजिटेड जैसा कलर उस समय रहा होगा ऐसे रहेगा, क्योंकि धूप जो है ना हर चीज, अगर हम धूप में खड़े होते हैं हमारा चेहरा काला हो जाता है ना, बिल्कुल बिल्कुल, तो वही चीज है। तो इसमें जो है तो हीट भी मिलती है हाँ जी, और जो उसकी जो नेचुरलिटी होती है वो बरकरार रहती है, वो बरकरार रहती है, वो खराब नहीं होती, बहुत काला, उसका टेस्ट, उसका सब कुछ। अच्छा, तो इसमें ग्रीन टी लेके सारा जितनी जो ग्रीन टी हो गया, तेज पत्ता हो गया, बिच्छू घास हो गया, मिंट हो गया। अच्छा, तो बिच्छू घास क्या करते हैं, चाय बनती है उसकी, बिच्छू घास की, अरे बहुत अच्छी घास चाय होती है बिच्छू घास की। अच्छा, और जो तेज पत्ता का, तेज पत्ता अगर हम धूप में रखते हैं हाँ, तो उसका जो मिनरल होता है खत्म हो जाता है। अच्छा, और काला हो जाता है, ठीक है, और इसमें रहेगा वो ग्रीन का ग्रीन रहेगा। अच्छा, और मिनरल उसके अंदर सूख भी जाएगा और खराब भी नहीं होगा, बहुत बढ़िया, उसकी लाइफ बढ़ जाती है, बहुत बढ़िया। आप लोगों ने बहुत सारे काम किए यहाँ, बहुत गजब चीजें, बहुत बढ़िया, कितना प्यारा है। ये हल्दी की तरह लग रहा है, दालचीनी है, क्या है, दालचीनी, दालचीनी है, अलग ही हल्दी, नेचुरल कलर लग रहा है, नेचुरल कलर, इसका स्वाद में फर्क आता है, वही स्वाद, ये एकदम सूख गया, देख लो ये, देखो कितने हार्ड है, सूखी, बहुत बढ़िया, मेरे को खा रहे हैं ना, इसको मुंह में डालो, आप भी मुंह डाल, मैं डालूं, ये तो बिल्कुल बिल्कुल लेमन घास का बढ़िया आ रहा है टेस्ट, मतलब उसका वो प्रोसेस करने का तरीका नहीं पता, सारी चीज खराब हो जाएगी, जो मिनरल है उसका मिनरल एजिटेड रहेगा, बिल्कुल बिल्कुल एजिटेड रहेगा, बिल्कुल, बहुत बढ़िया।
गुलाब जल का प्लांट है, मतलब ये तो इस समय हमने यहाँ साफ किया है ना, ये बॉक्स है इसके। अच्छा, इसमें लगते हैं ये, जब आप तैयार कर दो तब जोड़ने पड़ते हैं। इसमें ये सबसे पहले ये होता है, इससे भाप बनता है, इसमें जाता है, इसमें भाप बन के उसमें जाता है, तब बाहर निकलता है, तब तीसरी बार बाहर निकल के फिर रोज वाटर तैयार होता है। मतलब उसमें देखना पड़ता है कि दो बार में कंप्लीट हो गया, तीन बार में कंप्लीट हो गया। अच्छा, मतलब उसमें जो गुलाब का जो फूल होता है ना, उस पर डिपेंड करता है। अच्छा, कई बार क्या होता है फूल अच्छा फूल होता है तो एक बार में निकल जाता, अगर फूल नहीं है तो उसको फिर दोबारा डालना पड़ता प्रोसेस में, तब जाके वाटर डाल रोज। अच्छा, और इनमें बॉक्स में क्या है, ये तो दवाई है खेतों। और यहाँ पर हैं इनके अपने बनाए प्रोडक्ट, बहुत सारी चीज़ें हैं। क्या क्या आइटम है यहाँ पर भाई साहब? नमस्कार। ये सूद, नमस्कार साहब। हमारे पास हर्बल में कई हर्बल टी हमने जो बनाई है। अच्छा, इसमें ये आपका लेमन ग्रास लेमन टी है, लेमन टी, ये के मंजारी नाम से, मंजारी के लेमन ग्रास, माउंटेन लेमन ग्रास मंजारी नाम से। ये खुद से फ्लेवर, ये एक्चुअली अलग अलग फ्लेवर में। अच्छा, ये अलग अलग फ्लेवर में है ना। अच्छा, कुछ लेमन ग्रास है, कुछ तुलसी है। अच्छा, इनको खालू लेमन ग्रास है। अच्छा, एक एक ग्रीन टी विद लेमन ग्रास है। अच्छा, ग्रीन टी विद लेमन ग्रास। अच्छा, ग्रीन टी विद लेमन ग्रास। अच्छा, ये जो मैंने आपको पहले दिखाया था केवल लेमन ग्रास है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये लेमन ग्रास विद टी है। अच्छा, ये तुलसी है। अच्छा, ये तुलसी, इसमें ग्रीन टी विद तुलसी है। ग्रीन टी सब में होगी। अच्छा, बट इसमें अलग अलग फ्लेवर डाले, किसी में तुलसी डाल दिया, किसी में लेमन ग्रास डाल दिया, किसी में तेज पत्ता डाल दिया, किसी में मिंट डाल दिया। अच्छा, किसी में वो डाल दिया, बिच्छू घास डाल दी। अच्छा, तो बिच्छू घास की चाय जो है शरीर के लिए बहुत ही अच्छी है। अगर लेमन ग्रास और बिच्छू घास की चाय अगर आप एक महीना कंटिन्यू लेते हैं, इसका सेवन करते हैं। अच्छा, तो आपके अंदर अगर शुगर लेवल अगर आपका जीरो आ जाएगा इसमें। अच्छा, हाँ, कमाल की जो कई चीज़ एक हमने इसमें बनाई है आटा मेल। अच्छा, कई लोग डाइजेशन की शिकायत होती है तो ये आफ्टर मेल यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसमें हमने डाल रखा है ग्रीन टी विद मिंट। अच्छा, मिंट के साथ। हाँ, इम्यूनिटी के लिए हमने बढ़ाया है। अच्छा अच्छा, एलर्जी हो गई, ये एलर्जी के लिए बनाई है। अगर किसी के पास इसकी एलर्जी होती है तो इसे उसको इसकी एलर्जी। हाँ, अच्छा अच्छा, ये सारे मतलब है टी सारी है, सब है वैरायटी। और ये तेज पत्ता भी, तेज पत्ता ही। हाँ, ये आपका खुद का प्रोसेस क्या हुआ है? खुद प्रोसेस, ये इसी के लिए मैं आपको बता रहा था कि इसको अगर हम ओपन अगर हम इसको धूप में इसको ड्राई करते हैं तो इसका कलर भी ब्लैक आ जाएगा, इसके अंदर जो मिनरल होता है ना वो माइनस हो जाता है। अच्छा, और ये ग्रीन टी अगर हम इसको उसमें सॉरी इसको अगर हम ग्रीन हाउस के अंदर करते हैं तो ये इसका जो कलर होता है वो मेंटेन रहता है। अच्छा, इसका जो मिनरल होता है वो मेंटेन रहता है। जी 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 जी, इसका कलर ही बढ़िया। हाँ, इसका बिल्कुल नेचुरल कलर है ना, जैसे पत्ते कलर है उसी तरह, शायद छाया में नहीं दिखाई दे रहा है उसमें, लेकिन ये वैसी सेब बहुत बढ़िया। और ये जरा चाहिए रोज वाटर, ये रोज वाटर है, ये भी खुद तैयार किया हुआ ना, ये रोज गार्डन हम जाने वाले। आपको नीचे प्लांट तो बताया था मैंने। हाँ, ये रोज वाटर का है, ये रोज गार्डन। तो ये आपके आंखों के लिए, हाँ, फेस के लिए बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। उसके बाद बड़ी इलायची, बड़ी इलायची भी। हाँ, ये बड़ी इलायची, मैंने आपको पूरा बगीचा दिखाया था बड़ी इलायची का, तो यहाँ पर इनके प्रोडक्ट रखे हुए हैं। बहुत बढ़िया कलर देखो आप। हाँ, बिल्कुल लाली है इसमें। हाँ, पिंक कलर है। आपने जो दुकानों से आप लेते हैं वो बिल्कुल ब्लैक होती है। हाँ, उसको एकदम ब्लैक होती है। हाँ, ये जैसा कलर जो पेड़ में होगा ऐसे कलर होगा इसका। बिल्कुल, आपको शायद इसमें नहीं दिख रहा होगा, दिख रहा है सर, क्योंकि ये पैकेट के अंदर है, लेकिन ये एकदम पिंक कलर की है, पिंक जैसा कलर है जो हम दुकान से लेते हैं, एकदम ब्लैक होती है वो। ये प्रोसेस का तरीका है जो इसको अच्छा, एक ही चीज को अच्छा और खराब कर रहा है। ये बनाया लेमन ग्रास ऑयल। अच्छा, लेमन ग्रास ऑयल। हाँ जी, लेमन ग्रास ऑयल है। हाँ, ये कई कामों में आता है। अच्छा, ये जैसे घरों में हम लोग घर में जो सुबह सुबह हम पोछा मारते हैं तो फिनाइल यूज करते हैं। अच्छा, फिनाइल क्यों यूज करते हैं? कि उससे घर में दीमक ना हो, मक्खी ना हो, जर्म ना हो। लेकिन इससे क्या होगा कि वो तो खत्म हो गई, साथ में जिसकी जो स्मेल, इसकी जो खुशबू होती है ना वो बहुत अच्छी होती है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत लेमन ग्रास एकदम परफ्यूम टाइप का। हाँ हाँ हाँ,
उस काम ये भी आप खुद का प्रोडक्ट है। हाँ, ये भी खुद का बहुत बढ़िया है। बहुत सारी चीज़ें साथ किया हमने, बहुत कमाल की चीज़ है। तो ये देखो ये सब खुद के प्रोडक्ट लगा रखे हैं, बहुत सारे ऊपर भी हैं इधर मन का। बहुत ही बढ़िया, बहुत सुंदर।